जय श्री केदार। दोस्तों, कल शाम की आरती के वक्त बादलों ने केदारनाथ धाम मंदिर को अपने आगोश में ले लिया। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि आने वाले 10 दिनों के लिए केदारनाथ धाम में भारी बारिश भी हो सकती है, साथ ही साथ मौसम में कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि कल शाम की आरती के समय, संध्या आरती के समय अचानक से इतने ज़्यादा बादल हो गए, मौसम में अचानक से इतना बदलाव आ गया कि केदारनाथ धाम और केदार घाटी को पूर्ण तरह बादलों ने अपने आगोश में ले लिया। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रकृति भी बाबा धाम में संध्या आरती के वक्त शामिल हुई। तो दोस्तों, आने वाले मौसम के बारे में बात करते हैं कि आने वाले समय में कैसा रहेगा केदारनाथ धाम का मौसम। दोस्तों, कुछ ही दिनों में जुलाई माह की शुरुआत होने वाली है और जुलाई माह एक ऐसा महीना होता है जिसमें कि मानसून पूरे भारतवर्ष में कण कण को अपनी बूंदों से भिगो देता है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी और बारिश देखी जाती है। आप फिलहाल वीडियो में देख रहे होंगे केदारनाथ में ताज़ी बर्फबारी हुई है, जो कि चोटियों पर आप ताज़ी बर्फबारी का नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले जुलाई और अगस्त माह में आपको भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है अगर आप चारधाम यात्रा या फिर केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो आप अपनी यात्रा की प्लानिंग उसी प्रकार से करें ताकि आपको यात्रा मार्ग पर कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, साथ ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहूँगी कि आगामी दिनों में यानी कि 5 से 6 दिन के अंदर मौसम और ज़्यादा ख़राब हो सकता है केदारनाथ धाम की यात्रा करने वालों के लिए। तो दोस्तों, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके चलें। साथ में दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप इस समय धाम की यात्रा करना चाहते हैं और आपकी किसी भी प्रकार की होटल की बुकिंग नहीं हुई है, या फिर आप टेंट की बुकिंग करना चाहते हैं, या फिर आप टूर पैकेज लेना चाहते हैं, वो भी कम रेट पर बहुत ही अच्छे दामों में, तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको सारी सुविधाएँ प्रदान करते हैं, होटल्स की, टैक्सी बुकिंग की, साथ ही आपको मील्स की भी सुविधाएँ दी जाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि जो भी भक्तगण जा रहे हैं यात्रा के लिए उन्हें मौसम का हाल पता चल सके, ये वीडियो उनके लिए लाभदायक हो सके ताकि इसके अकॉर्डिंग वो अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सके।